राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने महिला किराएदार के कमरे में स्पाई कैमरा लगा दिया। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है पूरा मामला। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने व्हाट्सएप पर कुछ असामान्य गतिविधि देखी। अपने लिंक किए गए डिवाइसों की जांच के बाद महिला को पता चला कि उसका व्हाट्सएप अकाउंट किसी अज्ञात लैपटॉप से लिंक हो रखा है। उसके बाद तुरंत उन्होंने व्हाट्सएप को लॉग आउट कर लिया। महिला को इसके बाद और ज्यादा संदेह हुआ, जिसके बाद महिला ने अपने कमरे की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान महिला को दो स्पाई कैमरा मिले। एक स्पाई कैमरा उनके बाथरूम में बल्ब होल्डर के अंदर लगा हुआ था, दूसरा स्पाई कैमरा उनके कमरे में लगा हुआ था। सोमवार को पीड़ित महिला ने पीसीआर पर कॉल करी, जिसके बाद पीसीआर ने जांच करी। जांच के बाद पता चला कि दो स्पाई कैमरा महिला के कमरे में छिपाए गए थे। पीड़ित महिला एक बिल्डिंग के कमरे में किराए पर रहती थी। महिला ने बताया कि करण, जो कि किराएदार के बेटे का नाम है, पीड़ित महिला ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग के लिए और पंखे को ठीक करने के लिए अपनी चाबी किराएदार के बेटे को दी थी। पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करण उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहता था। पूछताछ के दौरान करण ने कबूल किया कि महिला ने 3 महीने पहले अपने घर जाते वक्त चाबी उसे सौंप दी थी। आरोपी ने उस समय का फायदा उठाकर पीड़ित महिला के कमरे और बाथरूम में स्पाई कैमरा इंस्टॉल कर दिया। इस मामले को लेकर डीसीपी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कल हमें एक लेडी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पर रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमिजिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए, तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में दो जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी, जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनसे उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी, उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमराज परचेज किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया।